अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने एमओडी की एक और एग्जांपल जो है वो स्टडी करनी है। ओटो ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम्स ऑक्सीजन के बॉन्डेड है। अब बेटा ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन एटम के जो शेल हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, एक ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें से इस मॉलिक्यूल में मौजूद एक ऑक्सीजन मैंने लिया, उस ऑक्सीजन के मैंने ऑर्बिट्स लिखे, इन ऑर्बिट्स को हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है बेटा, ये एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके सामने हैं। इनमें 1s जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ऑक्सीजन जिसके पहले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, उसके दूसरे ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, उसके 2px ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, उसकी 2py ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके 2pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया हमारे पास एक ऑक्सीजन और उसके ऑर्बिटल्स और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ऐसे करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैंने मॉलिक्यूल बनाना है इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह से एक और ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि O2 के अंदर दो ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का 1s ऑर्बिटल जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया। इसी तरह से एक और ऑक्सीजन एटम है जिसका 1s ऑर्बिटल, जिसका एक और ऑक्सीजन एटम है उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो सेम एनर्जी रखते हैं, सेम ही एलिमेंट के एटम्स हैं। ये भी ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये भी एक और ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये दो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं। तो आपको पता है जब एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं, तो मिक्स होते हैं, वहां पर न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो बेटा ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो दो न्यू टाइप के ऑर्बिटल्स बने हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो उनकी भी दो टाइप्स होती हैं। आपको ये अच्छी तरह से याद है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें बेटा कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, शाबाश, एक और एक दो, और न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो। उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लो होती है, उनमें से एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी हाई होती है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लो है और इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, वो भी दो बने, उनमें से एक एनर्जी लो, एक एनर्जी हाई है। अब बेटा आपको ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होंगे। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इस ऑक्सीजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाले ऑर्बिट्स के अंदर कैसे फिल होंगे। तो पता है आपको इनकी एनर्जी लो है, इनकी एनर्जी हाई है। तो बेटा यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हो गया कंप्लीटली फिल। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इधर से और एक इधर से, मजीद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाएगा। तो गौर से देखें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे तैयार करते हैं, सिग्मा, और इसकी वजह से 1s। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग वालों को हम स्टार से तैयार करते हैं, तो ये सिग्मा स्टार 1s इसकी वजह से हो जाएगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनसे एक एनर्जी लो, एक एनर्जी हाई। लो वालों को हम सिग्मा और हाई वालों को हम सिग्मा स्टार बोलते हैं। तो ये 1s की वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम सिग्मा 1s, दूसरे का नाम सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने देख ली, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन यहां बच गया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन यहां बच गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। उसके बाद बेटा ये एक ऑक्सीजन एटम का सेकंड ऑर्बिट जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटम जिसके सेकंड ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम 2s बोलते हैं। सेम इसी तरह से और ऑक्सीजन एटम जिसके सेकंड ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम के 2s में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन। बेटा गौर से देखिए,
और इसी की वजह से जो एंटीबॉडी बनेगी उनका नाम सिग्मा स्टार 2 है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन की क्लीविंग कैसे होगी, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अभी बचा है, इधर भी बचा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन और एंटीबॉडी में भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमने जो है दोनों ऑक्सीजन के लिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्टडी कर लिए, एक ऑक्सीजन का 1s उसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन का 1s उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से बनेंगे, हमें उनकी एनर्जी किसकी हाई है किसकी कम है, ये सारी चीजें हमने 1s और 2s दो ऑक्सीजन के एटम का पढ़ लिया। अब हमने दोनों ऑक्सीजन के एटम के 2px 2py और 2pz को स्टडी करना है। एक ऑक्सीजन एटम जिसका 2px 2py और 2pz, गौर से देखिएगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम उसका भी 2px 2py और 2pz। हां जी, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा, 2px भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2py भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल और 2pz भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और इसी तरह से 2py में 2pz में भी सेम इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी होंगे। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल और होंगे, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 6। हां जी, तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करेंगे, तीन ये एटॉमिक ऑर्बिटल तीन दूसरे ऑक्सीजन के, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उन 6 में से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे किसी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे सेम एनर्जी पर, इनमें से 3 वो बनेंगे मिक्स होने पर, ओवरलैप होने पर 3 ऐसे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इनसे कम होगी और 3 ऐसे बनेंगे जिनकी एनर्जी हाई होगी। तो आगे चलते हम देख रहे हैं वहां पे, बेटे यहां पे देखिए, अब हमारे पास ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स रह गए हैं 2px 2py और 2pz, सेम इसी तरह से दूसरे भी ऑक्सीजन एटम के 2px 2py और 2pz, तो एक ऑक्सीजन एटम पे 2px 2py और 2pz, दूसरे ऑक्सीजन एटम पे 2px 2py और 2pz, गौर से देखिएगा, एक ऑक्सीजन एटम पे 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2, बिल्कुल सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 2 और 2 4, इधर भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये टोटल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद कितनी है, 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। हमने पहले पोस्टुलेट में पढ़ रखा है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और लैप होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो बेटा 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 6 बनेंगे। अब उनमें से 3 की एनर्जी लो होगी और 3 की एनर्जी हाई होगी, इनसे इन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 3 की एनर्जी लो और इन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 3 की एनर्जी हाई होगी, और से देखिएगा 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, इनमें से 3 की एनर्जी लो है और 3 की एनर्जी हाई है। हां जी, इनमें से 3 की एनर्जी लो है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसी तरह से इन 3 की एनर्जी हाई है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बेटा उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे फिल होंगे, गौर से देखिएगा, यहां 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2px से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा सिग्मा 2px में, इसी तरह से यहां भी 2px में 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा सिग्मा 2px में। हां जी बेटा, इस बात को समझना है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, गौर से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस पर मौजूद है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे मिक्स हो रहे हैं, ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं, इनके हेड ओवरलैप कर रहे हैं, इसी वजह से यहां कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा। बात को समझना है, इसके 2px एटॉमिक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन एटम के भी 2px एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, इसी वजह से यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनसे बनेंगे वो
ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा जी जैसे हैं साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां से भी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनसे भी दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ओवरलैपिंग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम पाई टू पी जेड और दूसरे का नाम पाई स्टार टू पी जेड। हां जी, इसके बाद बेटा जी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात तो इनके नाम तो समझ आ गए होंगे आपके। इस और इसकी ओवरलैपिंग से ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम सिग्मा टू पी एक्स, दूसरे का नाम सिग्मा स्टार। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक ये और एक ये, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम इनकी वजह से सिग्मा टू पी एक्स और एक का नाम इनकी वजह से सिग्मा स्टार टू पी एक्स। इसी तरह से ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले बेटा तो इनके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिलते हैं, साइड बाय साइड के पैरेलल ओवरलैप से तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, वो ये हैं। हां जी, पाई टू पी वाई इनकी वजह से जो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एक तो पाई होंगे दूसरे पाई स्टार होंगे। इसी तरह से ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल और लैप हुए तो यहां से दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम पाई टू पी जेड दूसरे का नाम पाई स्टार। यानी एक एक इनकी ओवरलैपिंग से आपस में ओवरलैपिंग से एक बॉन्डिंग वाले बनते जाएंगे, एक एंटी बॉन्डिंग वाले बनते जाएंगे। जो बॉन्डिंग वाले होंगे उन्हें हम अगर तो ऐसे ओवरलैप करें सिग्मा और अगर ऐसे ओवरलैप करें पाई, ठीक है, वाई और जेड ऐसे ओवरलैप करते हैं तो पाई। इसी तरह से जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे वो सिग्मा लेकिन उनके सिग्मा स्टार होंगे पाई स्टार होंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग गौर से देखने आपको तवज्जो से देखने इस पर, ये 2px के अंदर एक ऑक्सीजन के 2px जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी इधर आ गया। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मुकम्मल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां 2px में बाकी है, इधर भी 2px में एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गए। इसी तरह से बेटा क्यों इन्हें मैंने पहले फिल किया है, क्योंकि इन एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हैं उन सबसे एनर्जी इसकी लो है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसी वजह से यहां से और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले कहां जाएंगे, इसी को फिल करेंगे, बच जाएंगे तो बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अभी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा हुआ है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो बेटा कहां चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। इधर दोनों में एक क्यों आ गया है बेटा, इस वजह से इन दोनों की एनर्जी इन दोनों का लेवल सेम है, इसी वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये 2px भी खाली और ये 2px भी खाली हो गए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए, लेकिन यहां 2py है और इधर भी 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर 2py से एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल हो गए, इधर 2py से एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे फिल हो गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यहां से 3 यहां से और 3 यहां से। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है एटॉमिक ऑर्बिटल में इस साइड से एक ऑक्सीजन के, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो वो कहां चले जाएंगे बेटा, ये बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जेड के अंदर चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां टू पी जेड से पाई स्टार टू पी जेड के अंदर और यहां भी टू पी जेड से एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार टू पी जेड के अंदर चला जाएगा, एक वाई के अंदर और एक जेड के अंदर चला जाएगा, तो यहां एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने जा रहे हैं, एक यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है टोटल एंटी बॉन्डिंग के अंदर, और बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो चार और दो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है। तो बॉन्डिंग में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख ली है एमओटी के लिहाज से कि किसकी एनर्जी कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो बेटा हमने देखा ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन के जो 1s है, ऑक्सीजन के जो क्या है 1s जो है इनसे एक ऑक्सीजन के 1s और दूसरे ऑक्सीजन के भी 1s दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनमें से इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी हाई, तो बेटा ये ऐसे ही है इनकी एनर्जी सबसे कम है, इनकी इनसे बनने वाले जो सिग्मा 1s है उनकी एनर्जी सबसे कम और इनसे बनने वाले जो सिग्मा स्टार
सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद एनर्जी सिग्मा 2s, उसके बाद एनर्जी सिग्मा स्टार 2s, ये हायर लेवल की तरफ मैं जा रहा हूं। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, उसके बाद एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद एनर्जी सिग्मा 2s, उसके बाद ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद किसकी हाई एनर्जी है बेटा, ये देखिएगा सिग्मा 2px, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है बेटा, सिग्मा 2px से ज्यादा एनर्जी करने हैं आपने। अभी इनके आइंस के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं।